देखते हो क्रिकेट मैच? एक रन से ही जीत और हार हो जाती है ना। कोई टीम एक रन से कभी कभी चैंपियन बन जाती, वर्ल्ड कप आ जाता है, कभी कभी एक रन से वो कप चला जाता है। तो ऐसे ही एक एक वोट डाल अच्छी सरकार बनते बनते रह जाती है। तो हर व्यक्ति का वोट बहुत कीमती है, इस बात को आप लोग सबको समझाएंगे, चाहे अपने माता पिता को, अपने फैमिली के, अपने आसपास के लोगों को, जो भी मिले। 19 मई को हमको मतदान करना है, तो सबको ये समझाना है कि आपका घर में अगर कोई बीमार है तो उसको भी व्हील चेयर पे लेकर के जाना चाहिए, ताकि वो वोट दे। नॉर्मली क्या होता है, जो लोग घर में बुढ़े हैं तो घर वाले बोलते हैं कि अरे बुढ़ों का जी है, ठीक है, नहीं उनको भी वोट देने का अधिकार है, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी देती है वहाँ पे, व्हील चेयर होता है, व्हील चेयर पे बिठा करके, और साथ ही अपने परिवार के सभी मतदाताओं, पड़ोसियों और दोस्तों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है ना। इसमें अपना साइन करेंगे। हम लोग का इस बार का काशी का महापर्व, देश का ऐसा त्योहार, हम लोग हर धर्म के लोग त्योहार मनाते हैं, ये देश का एक ऐसा त्योहार जिसको कहते हैं लोकतंत्र। ये लोकसभा सामान्य निर्वाचन के तहत वाराणसी जनपद में हमारे स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने प्लान बनाया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के जितने प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, जहाँ पे विशेषकर हमारे 200 ऐसे पोलिंग बूथ 8 विधानसभा के, जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम था, उन स्कूलों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, और उन स्कूल के बच्चों को हम एक संकल्प पत्र लेटर बनाए हैं कि बच्चे अपने मम्मी पापा को लेटर लिखेंगे कि आप हमारा तो देखभाल कर ही रहे हैं, हमारी आपको चिंता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा भविष्य भी हमारे देश से जुड़ा है, जिसमें कि हमारा मतदान करना अति आवश्यक है लोकतंत्र के अच्छे निर्माण में, जिससे हमारा देश मजबूत होता है, इसमें आपकी भागीदारी आवश्यक है, अतः आप वोट देने जाएं। बच्चे ये पापा को मम्मी को लेटर लिखेंगे, फिर उनके माता पिता का भी एक आएगा संकल्प लिखकर कि हम तैयार हैं मतदान करने के लिए, स्वयं भी तैयार है अपने दोस्तों के साथ, और अपने आसपास के पड़ोसियों को भी लेकर मतदान बूथ पर तक जाएंगे। तो ये पेरेंट्स का अपने बच्चों को जो प्रॉमिस है, निश्चित ही ये मतदान प्रतिशत बढ़ाने में काम आएगा।